क्या बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब रेसलर्स के आंदोलन की वजह से बढ़ने वाली हैं? क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? उन पर एफआईआर में क्या गंभीर धाराएं लगने वाली हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में आज जो दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करने वाले हैं वो रेसलर्स की एक बड़ी जीत है? क्या ये पूरा विवाद भी किसान आंदोलन की तरह अब लंबा खिंचने वाला है? क्या यह मामला बृजभूषण से कहीं आगे जाके अब बीजेपी वर्सेस विपक्ष बन रहा है? जैसे किसान आंदोलन में किसान थे, ऐसे ही यहां पर अब खिलाड़ी हो जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब जंतर मंतर पर हो रही हैं। लेकिन आज जो प्रमुख चीजें आई उनमें से एक वो पोस्टर था जो बृजभूषण शरण सिंह को लेकर इन खिलाड़ियों ने लगाया और यह दिखाया कि उन पर कितने ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज थी वो थी देश में कई खिलाड़ियों का आज इन खिलाड़ियों के लिए समर्थन आना। हालांकि वो समर्थन सियासी तौर पर नहीं था, वो समर्थन इस बात को लेकर था कि इस मामले की एक निष्पक्ष जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन लोगों ने हमारे देश का मान बढ़ाया, जिनके मेडल लाने पर हमने अपने गर्व महसूस किया, कम से कम उनकी बुनियादी चीजों को लेकर एक ईमानदारी से जांच की जाए, जो सच है उसे सामने लाया जाए। क्योंकि ये खिलाड़ी अगर वहां बैठे हैं तो ये शर्म हमें भी आनी चाहिए। कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने समर्थन किया और क्यों, मुझे ये कहना पड़ा कि क्या ये मामला किसान आंदोलन की तरह बढ़ने वाला है, उधर हम जाएं उससे पहले एक बार आपको खबर बता देते हैं। खबर यह है कि 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स थी जिन्होंने शिकायत की थी कि बृजभूषण शरण सिंह ने उनका यौन शोषण किया है। इस मामले को लेकर कोई एफआईआर जो है वो दिल्ली पुलिस ने नहीं लिखी और उसके बाद ये तमाम जो रेसलर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं। इस याचिका को दाखिल करने के बाद रेसलर्स की तरफ से एक जमाने में कांग्रेस के सीनियर नेता रहे और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, वो उनकी पैरोकारी करते हैं और कपिल सिब्बल कहते हैं कि महिला जो रेसलर्स हैं उनके उनके परिवार वालों को सुरक्षा दी जाए, साथ ही एक रिटायर्ड जज जो है इसकी निगरानी करें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम बहुत ही जल्द एक एफआईआर जो है वो लिखने वाले हैं। अब एफआईआर के बाद 17 तारीख को फिर सुनवाई होने वाली है मई को और उसके पहले एक हलफनामा देना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस को बताना पड़ेगा क्या क्या किया जाए। खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो हैं वो बैठक कर रहे हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कौन कौन सी धाराएं जो हैं वो लगाई जाए, क्योंकि अगर धारें कमजोर हुई तो जो पहलवान हैं या जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कहेंगे कि दिल्ली पुलिस जो है वो बिकी हुई है, और अगर बहुत ज्यादा कठोर धाराएं लगा दी गई तो फिर उसके प्रमाण क्या है वो भी देखना पड़ेगा। तो दिल्ली पुलिस फिलहाल इस मंथन में है कि धारा कौन कौन सी लगाई जाए। उधर बृजभूषण शरण सिंह भी अब अपने इस्तीफे देने को तैयार हो गए। हालांकि एफआईआर के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा जो है वो आमतौर पर मान लिया जाता है। बृजभूषण शरण सिंह ने भी हालांकि कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं लेकिन मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। ये खिलाड़ी सुनिश्चित करें कि ये चुपचाप घर जाएं, वहां पर जाकर प्रैक्टिस करें, और अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो मैं अपना इस्तीफा जो है वो भिजवा दूंगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे पॉलिटिकल लोगों की एंट्री हो गई है वैसे ये मामला अब इस्तीफे तक नहीं रहेगा। 3 महीने पहले शायद ये बात इस्तीफे पर खत्म हो जाती लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ गया है। अब मामला विचारधारा का हो गया, या तो आप बृजभूषण शरण सिंह के साथ हैं या फिर आप तमाम खिलाड़ियों के साथ हैं। बीच वाले लोग जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे नई नई घटनाएं सामने आएंगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये मामला बिल्कुल अलग हो जाएगा। अभी भी हालांकि एक वर्ग है जो बीच की लाइन पे है, जो कह रहा है कि ये देश के मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी हैं और इनके सड़क पर रहना हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कीजिए जांच पड़ताल हो जाए। लेकिन आज कई घटनाएं हुई जिन पर हमें आपको नजर रखनी चाहिए। जैसे एक घटना हुई पप्पू यादव को लेकर। पप्पू यादव ने आज खिलाड़ियों के साथ बैठकर योगी आदित्यनाथ का जमकर मजाक उड़ाया और उस घटना का जिक्र किया जिसमें संसद में योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे। योगी आदित्यनाथ का जब मजाक उड़ाया तो सोशल मीडिया पर आया कि क्या ये खिलाड़ी जो है ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, क्योंकि पप्पू यादव पर खुद 30-32 केस है, उनके भी रोने के वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर हैं। तो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से चल भी रही है, हर तरफ से लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं।
हालांकि खिलाड़ियों का यह तर्क है कि हमने कुछ महीने पहले जब धरना दिया था तब मंच पर हमने राजनेताओं को आने की इजाजत नहीं दी थी, अगर तभी हमारी बात मान ली गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। आज हमने मंच पर लोगों को आने दिया है क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा था। उनका यह कहना है खेल मंत्री से हमें इंसाफ की उम्मीद थी, वो नहीं हमारे पास आए, 2-4 मिनट मिलकर चले गए, मीडिया में कह दिया कि हम 12-14 घंटे मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री जी से अपील करी, बार बार अपील करी, हम जब मेडल लाते हैं तो देश में हमारा मान बढ़ता है, जब मेडल के बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर आए हैं तो हमारे साथ लोग नहीं खड़े हैं। तो खिलाड़ियों ने भी स्पष्ट कर दिया कि उन्हें लोगों से परहेज नहीं है। हालांकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि खिलाड़ियों को विपक्ष के नेताओं को आने देना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ इस मुद्दे को लेकर बात करें। अगर विपक्ष के नेता बाकी विषयों को लेकर ही बात करेंगे और पर्सनल कॉमेंट होगा तो मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी शायद इस पूरे मूवमेंट की कम हो जाएगी और विपक्ष की हथियार बनकर ना हो जाए, कहीं ये परसेप्शन ना बन जाए कि ये विपक्ष के लोग हैं। इधर खिलाड़ियों ने आज एक नई मांग रखी है। खिलाड़ियों की तरफ से मांग की गई है कि बृजभूषण शरण सिंह पर जब तक कार्रवाई नहीं जाती तब तक उनका धरना चलेगा, और अब जब उनकी लीगल टीम या हरियाणा से उनके जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग आए हैं, खाप पंचायत वाले लोग आए हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक वो जाएंगे नहीं। तो जो प्रमुख मांगे हैं, एक बृजभूषण शरण सिंह का WFI के पद से इस्तीफा, दूसरा उनकी सांसदी का इस्तीफा ले लिया जाए, जो वो सांसद हैं उससे भी उनका इस्तीफा ले लिया जाए, ये एक बहुत बड़ी मांग है। और इसके बाद जो एक बड़ी मांग है वो है कि बृजभूषण शरण सिंह को अब जेल में डाल दिया जाए। तो पहली मांग जो है इस्तीफे वाली, वो मुझे लगता है कि अब बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि FIR उनके खिलाफ हो गई है, मामला बड़ा हो गया है। बृजभूषण हो सकता है खुद ही इस्तीफा दे दें या पार्टी का दबाव बने उसके बाद वो इस्तीफा दे दें ताकि मामला जो है वो सुलट जाए। दूसरी बड़ी बात जो है सांसदी के इस्तीफे की, वो मुझे लगभग पॉसिबल नहीं नजर आता है क्योंकि बृजभूषण एक जनता के द्वारा चुने गए नेता हैं। अगर संसदे जाएगी भी देर सवेर तो वो कोर्ट प्रशासन की प्रक्रिया होगी, बीजेपी उनसे इस्तीफा ले ले, उनको सांसद से निकाल दे, ये संभव नहीं नजर आता क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, अपने इलाके में उनका प्रभाव है और उनके समर्थन में भी एक वर्ग है जो धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, जिसका ये कहना है कि ये पूरा विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि हरियाणा में जब चुनाव होंगे तो उसमें जाट वर्सेस नॉन जाट का एक इशू बना दिया जाए। दूसरा टॉपिक लाया जा रहा है कि ये जो फेडरेशन है उसमें ये लोग चाहते हैं कि इन्हीं के घर परिवार से लोग जो हैं या इन्हीं के कास्ट से जो लोग हैं उनका दबदबा हो जाए। तीसरा ये आरोप लगता है बृजभूषण के फेवर वाले जो लोग हैं कि जो ये खिलाड़ी बैठे हैं ये अनुशासनहीन थे और ये चाहते हैं कि इनके आसपास के जो लोग हैं इनके इलाके से उनका प्रभुत्व, हरियाणा का कोई बंदा हो जो अध्यक्ष बने, यूपी वाला कैसे बन सकता है। तो यूपी वर्सेस हरियाणा टॉपिक जो है ये भी बढ़ गया है। इसमें कई बार नरसिंह यादव का एग्जांपल देते हैं कि देखिए वो कैसे फ्लॉप हो गया, उसको गायब करवा दिया, एक लॉबी है हरियाणा की। तो सियासी आरोप के बीच में बृजभूषण सांसद, तो उनका सांसद ही चली जाए ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है और ये पॉलिटिक्स में तो असंभव जैसा लगता है। अनलेस एंड अंटिल ये आरोप प्रूफ हो जाते हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया जाए या उनकी सांसदी छीन ली जाए, ये मुझे नहीं लगता। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं होगा और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये आंदोलन कहीं किसान आंदोलन की तरह ना हो जाए, जहां पर ऐसे विषयों को उठाकर मांग हो जाए जो लगभग असंभव से लगते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी नैतिकता है कि सिर्फ आरोप लगने पे सांसदें छीन ली जाए। पद से हटाना वो मुझे लगता है कि हो जाएगा, सांसदें छीनना लगभग नामुमकिन लगता है। जेल में डाले जाएंगे नहीं डाले जाएंगे ये उन FIR में जो धाराएं लगती हैं उन पर बहुत निर्भर करने वाला है और उसके बाद बृजभूषण क्या कानूनी प्रक्रिया लेते हैं। हालांकि बृजभूषण को लेकर भी कहा जाता है कि उनकी भी लॉबिंग जो है वो यूपी में बहुत बड़े नेता है वो करते हैं। बृजभूषण को अलग थलग आप नहीं छोड़ सकते हैं, बृजभूषण की भी पैठ है अच्छी खासी। तो बीजेपी क्या उनकी बैकिंग करेगी, खुलकर करेगी, नहीं करेगी, मुझे लगता है कि तब तक नहीं करेगी जब तक यहां से मौके नहीं मिलेंगे। लेकिन आज जो पप्पू यादव ने किया या जिस तरह से और ऐसे लोग जो बीजेपी विरोध का चेहरा है, जो किसान आंदोलन में भी आपको कई कुछ चेहरे थे जो कॉमन नजर आ रहे थे, अगर वो चेहरे बहुत खुलकर हो गए तो शायद बीजेपी के सपोर्टर्स या बीजेपी के नेता जो हैं वो खुलकर शुरू कर दें कि देखिए ये लोग हर बार मोदी के खिलाफ आते हो और अब ये मामला बृजभूषण से आगे बढ़कर अब बीजेपी वर्सेस हो गया है एक एजेंडे के तहत, तो ये एक परसेप्शन ना बने, मुझे लगता है इसका ध्यान। FIR की बात आने के बाद कई खिलाड़ियों के रिएक्शन आए। विनेश फोगट ने कहा कि FIR पहले दिन होनी चाहिए थी, इतने दिन से हमें वेट क्यों करना पड़ा, और अगर इतने दिन में FIR होती है तो फिर हमें समझ सकते हैं कि इस आदमी को जेल पहुंचाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। साक्षी मलिक ने भी कहा कि हमें दिल्ली पुलिस भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट
से हमें चाहिए कि न्याय मिल जाए, आशा करते हैं कि वहां से न्याय मिलेगा, हम कॉपरेट करेंगे, सबूत जो है दिल्ली पुलिस को नहीं देंगे, हम सारे सबूत जो है आप सुप्रीम कोर्ट को देंगे, हमारी सुनवाई होती है, बड़े बुजुर्ग शामिल है और उनकी सहमति से यह आंदोलन खत्म होगा। तो ये तमाम चीजें जो है ये दिनभर देखने को मिली। लेकिन आज जो बड़ी बात थी वो ये थी कि आज कई खिलाड़ियों का समर्थन मिला, जिसमें कपिल देव का नाम सामने आया, इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन जो थे, वर्ल्ड कप विनर, उन्होंने आज सपोर्ट किया कि इन बेटियों को यहां बैठे देखकर अच्छा नहीं लगता। नीरज चोपड़ा की तरफ से आज सपोर्ट आया, वो था कि इन लोगों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, ये यहां पर है, ये अच्छा नहीं है। सानिया मिर्जा का सपोर्ट जो है वो आज देखने को मिला, कांग्रेस की पूर्व नेता रही उर्मिला मातोंडकर, वो आज समर्थन में आई। सोनू सूद जो है वो समर्थन में आए, अभिनव बिंद्रा ओलंपियन थे वो समर्थन में आए। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो समर्थन में आए हैं। हालांकि क्रिकेटर्स को लेकर भी विवाद जो है वो शुरू कर दिया लोगों ने कि हर फील्ड के लोग बोलते हैं, क्रिकेटर्स जो है वो नहीं बोलते हैं। कई लोग इसको भी ट्रोल कर रहे हैं, क्रिकेटर्स जो है वो थोड़ा डरते हैं। हालांकि क्रिकेट में एक्टिव क्रिकेटर्स में किसी ने नहीं बोला, हरभजन सिंह ने बोला है, कपिल देव ने बोला है, वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया है। लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो सीधे तौर पर बीसीसीआई से नहीं जुड़े हैं या इंडियन टीम में कहीं भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा अब तक नहीं है। ये इधर सुप्रीम कोर्ट में खिलाड़ियों की दलील जो थी उसमें कपिल सिब्बल ने जहां पर कहा कि एक कोई खिलाड़ी है जिसके साथ यौन शोषण किया गया था, और ये सीजीआई चंद्रचूड़ जी की बेंच के सामने कहा कि वो 16 साल की थी जब यौन शोषण हुआ और उसने बाद में देश के लिए गोल्ड जीता है। तो ये वो खिलाड़ी जो हैं, ये बार बार ये सवाल आ रहा है कि वो कौन से खिलाड़ी जिनसे ये हुआ है और वो आखिर में सामने आएंगे या वो सबूत जो है आखिर में लाएंगे। वो आरोप बहुत गंभीर हो जाते हैं और उसमें जो ये नाबालिग वाला है यौन शोषण का मामला, ये काफी सेंसिटिव हो जाता है। अब पहली नजर में महिला खिलाड़ी अगर ये आरोप लगाती हैं तो मामला बहुत सेंसिटिव होता है और हम सबको चाहिए कि मजबूती से अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े रहें, क्योंकि आए दिन हमने देखा है कि अलग अलग फेडरेशन में ऐसी घटनाएं होती हैं। क्या ब्रजभूषण इसमें प्रत्यक्ष तौर पर इन्वॉल्व थे? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस की या एक्स जज की निगरानी में यह मामला जांच हो, और अगर वो इन्वॉल्व थे तो उन्हें जो भी कठोरतम दंड हो सकता है वो दिया जाना चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व नहीं थे तो जो पॉलिटिक्स है उसको जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए। लेकिन जो भी है, मुझे लगता है कि इस मामले में जल्दी निर्णय आना चाहिए ताकि चीजें स्पष्ट हों और खिलाड़ियों का भी मान सम्मान बना रहे और जो बेवजह की सियासत है वो भी ना हो पाए। कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन वाली सियासत ये बन जाए और इसमें जो बुनियादी मुद्दा खिलाड़ियों का है वो खत्म हो जाए। हालांकि पीटी उषा ने कहा कि अनुशासनहीनता हो रही है अगर इस तरह से हो रहा है, उसको लेकर काफी विवाद हुआ, कई लोग पीटी उषा को भी ट्रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है वो भी बहुत बड़ी खिलाड़ी रही है, उनका भी मान सम्मान हमें आपको बनाना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में खिलाड़ियों के पक्ष में जो एक बात जाती है और जो बात दिल्ली पुलिस या बृजभूषण के खिलाफ जाती है वो ये कि इस मामले में FIR नहीं दर्ज की गई। अगर किसी खिलाड़ी ने यह शिकायत की है और वो सबूत देने की बात करें तो आपको शिकायत तो दर्ज करनी पड़ेगी। आप शिकायत कैसे दर्ज नहीं कर सकते हैं? उन्हें बुनियादी न्याय तो मिलना चाहिए, और जब वो इतने बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, वो सही है गलत है जांच कीजिए, लेकिन FIR तो आप दर्ज करें। किसी पर भी आरोप लगे, आप बिना FIR के मामला नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि तमाम खिलाड़ियों ने समर्थन किया। नीरज चोपड़ा ने समर्थन किया, कहा कि देश कर कष्ट होता है कि हमारे एथलीट जो हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं, देश को गौरवान्वित किया है, नाम बढ़ाया है, एक राष्ट्र के तौर पर ईमानदारी के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, संवेदनशील मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। उर्मिला ने भी यही कहा कि यार इस देश में देवी देवताओं का दर्जा महिलाओं को दिया था, वहां पर आप FIR नहीं कर रही, ये बहुत टफ है। सानिया मिर्जा ने भी कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर इन लोग को यहां सड़क पर बैठे देखना बहुत पेनफुल है और इस तरह नहीं होना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए, जो भी सच है वो सामने आए, हम इनके साथ जश्न मनाए, इनके साथ मजबूती से खड़े रहे। सिद्धू ने भी कहा कि यार 8-9 लड़कियां शिकायत कर रही हैं और आप FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। सहवाग ने भी यही कहा कि जिन लोगों ने देश का मान बढ़ाया जो सड़क पर बैठे हैं, संवेदनशील मामला, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सोनू सूद ने भी कहा कि अन्याय के खिलाफ जो मामला है उसकी जांच होनी चाहिए। इरफान पठान, निखत जरीन, हरभजन सिंह, इन सब ने एक ही बात कही है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए, और एक देश भक्त होने के नाते हम और आप भी चाहेंगे कि जो सच है वो सामने आना चाहिए और वही। लेकिन जो बात निखत जरीन ने लिखी, जो मौजूदा ओलंपियन खिलाड़ी हैं, अच्छी खिलाड़ी हैं, देश का मान बढ़ा रही हैं, मैं उस बात से काफी हद तक इत्तफाक रखता हूं कि आधी रात को खुले आसमान में फुटपाथ के नीचे सोते ओलंपियन और फुटबॉलर्स को ऐसे देखना ये काफी तकलीफ देह है। सच जो है वो सामने आना चाहिए, आशा करते हैं कानून अपना काम करेगा और इंसाफ मिलेगा। अब वो इंसाफ बृजभूषण शरण सिंह को मिलेगा, वो इंसाफ इन खिलाड़ियों को मिलेगा, वो सच के बाद सामने आएगा। लेकिन सच आना चाहिए, जल्द सामने आना चाहिए और इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इस पूरे मामले को एजेंडा नहीं बनना चाहिए।
चाहे वो लॉबी वाली बात हो जो बृजभूषण शरण सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि एक मकसद के तहत किया जा रहा है हरियाणा की लॉबी को मजबूत करने के लिए आरोप लगाकर, क्योंकि महिलाओं को लेकर आरोप लगाए तो संवेदनशील हो जाते हैं, या जो बात कही जा रही है कि एक 16 साल की लड़की है थी जिसने जिसका यौन शोषण हुआ था, जो बाद में मेडल लेकर आई, वो आरोप गंभीर हो जाते हैं और उन गंभीर आरोपों की जांच के लिए ईमानदारी से काम होना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि FIR में जितनी देरी हुई है उसकी वजह से फजीहत का सामना करना पड़ा। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि खिलाड़ियों को भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके मंच का इस्तेमाल उनकी बात को रखने के लिए हो जाए, अगर उसके अलावा निजी टारगेट्स के लिए हो जाएगा तो शायद इस मामले में परसेप्शन जो है वो दाएं बाएं हो सकता है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं कॉमेंट जरूर कीजिएगा, बताइए मुझे।